हाँ जी स्टूडेंट्स, अपन सिक्स का लैसन नंबर सिक्स कर रहे हैं द मीडिया एंड डेमोक्रेसी। यदा ही थर्ड एंड लास्ट पार्ट आज के टॉपिक कवर होएगा। टॉपिक है द गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, पेज नंबर है 30। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री मस्ट गिव सिटीजन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉज एंड हैव टू बी ओबेड एंड अबाउट द सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो इहदा मीनिंग है कि किसी भी देश की जिहड़ी गवर्नमेंट है उहदे वास्ते जरूरी हो जाता है कि अपने सिटीजन्स नूं अपने कानूनों बारे जानकारी देवे और उन्होंने ये भी दसे कि कानून ने और इन्हां दी तुसीं पालना करनी है। नाल दी नाल जो सिटीजन्स दे राइट्स ने ड्यूटीज़ ने ये भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने लोगों तक कन्वे करनी होंदी है, अदरवाइज देयर विल बी डिसऑर्डर इन द कंट्री। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होएगी कानूनों की जां राइट्स की तो देश दे विच जिहड़ा है अशांति हो सकती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल आल्सो हैव द राइट टू नो अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव इलेक्टेड। और डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच लोगों को ले भी राइट है कि वो गवर्नमेंट खुद इलैक्ट करते हैं, उस तो बाद गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ कर रही है उन्होंने बारे भी जानने का हक जिहड़ा है वो लोगों को है। आर गवर्नमेंट यूजिज द मास मीडिया टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द पीपल एंड आलसो टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। साड़ी गवर्नमेंट जी है हिंदुस्तान की मास मीडिया के राही लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देती है पोलीटिकल एक्टिविटीज़ की, और नाल दी नाल लोग जिहड़े ने एजुकेशन और एंटरटेनमेंट भी लैंदे ने मीडिया के राही। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज़ रिसपोंसिबल फॉर डिवेलपिंग रेगुलेटिंग एंड सेंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन। साडे देश दे विच इक मिनिस्ट्री बनी हुई है जिहदा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उही जिम्मेवार है कि किस तरह के नाल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो लोगों तक पहुँचाई जाएगी, उहदे नाल कानून बनाउण दी भी इसे ही मिनिस्ट्री कोल राइट है। अमंग द गवर्नमेंट्स ओन मीडिया यूनिट्स आर, कुछ मीडिया जिहड़ा है गवर्नमेंट दे अंडर है, गवर्नमेंट दे कंट्रोल विच है, वह है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द पब्लीकेशनस डिवीज़न और प्रसार भारती। प्रसार भारती दे विच ही दो चीज़ां शामिल ने, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। नैक्सट साडा सब टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिहड़ा सीगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 विच पास कीता सीगा, उहदे बारे डिस्कस करांगे कि आखिर यह एक्ट की है और इहनूं पास करन दी नीड क्यों अराइज़ होई। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन 12 अक्टूबर 2005। सो 12 अक्टूबर 2005 एक्ट लागू होया सीगा इंडिया दे विच। किहड़ा एक्ट? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द पासिंग ऑफ दिस लॉ। This is the story of a people's movement which began in the state of Rajasthan in the 1990s. This act nu pass karaunde Rajasthan de vich 1990 de decade de vich ek movement chalai si lokan ne, ohde pressure cha ke jada hai eh law pass kita gaya siga. A movement demanding the right to information began when the people of Rajasthan strongly felt the need to look into the documents related to the public works, that is public building work paid by the government. This need was felt because many people who were employed in the public works were being denied their full wages. Aisa isliye hoya ki 1990s de vich Rajasthan de vich jehda hai public building da kam chal riha siga, sarkari imarat to sari ja rahi sigi aur ode vich jehde worker kam kar rahe si unhan nu bahut hi ghat paise ditte ja rahe sige. When they wanted to see the records to claim their full pay, the government officials refused to show them. और जदों वर्कर्स ने कहा कि सानू रिकॉर्ड दिखाओ सरकारी कि तुहानू पिछों किन्ने पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट वालों, तो सरकारी ऑफिसर्स ने ना कर दी कि वो ये कागज़ उन्होंने नहीं दिखा सकते। On the ground that such records were government secrets, और ये बहाना लगा दिता ऑफिसर्स ने कि सरकार का सीक्रेट है, तुहानू कागज़ नहीं दिखाए जा सकते। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की उठाया वर्कर्स ने, एन ऑर्गनाइजेशन कॉल्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS टू कप द पीपल्स कॉज। उस तो बाद एक संगठन सीगा, ऑर्गनाइजेशन सीगा मजदूर किसान शक्ति। इस संगठन ने लोगों के हेल्प वास्ते जिहड़ा है ये मुद्दा उठाया। द मेन एम ऑफ द MKSS वाज टू विन द राइट टू गैट द कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पब्लिक वर्कस। और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने कोशिश की कि लोगों को ये राइट मिल सके कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स चैक कर सकन जो भी पब्लिक बिल्डिंग ना रिलेटेड सके। द MKSS रेज्ड अवेयरनेस ऑन द इशू थ्रू जन सुनवाइज, आल्सो ऑर्गनाइज धरनास इन सैवरल टाउनस इंक्लूडिंग ब्यावर एंड द स्टेट ऑफ कैपिटल जयपुर। सो इस तो बाद MKSS ऑर्गनाइजेशन ने अलग अलग जगह के उपर जाके गवर्नमेंट ऑफिसर्स
इस इशू बारे दस्या, धरने किए जगह जगह के उपर मेन सिटीज़ से, चाहे ब्यावर हो कैपिटल सिटी जयपुर हो। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनली गेव इन पीपल्स डिमांड्स। चाहे सरकारी ऑफिसर विरोध कर रहे थे इस मूवमेंट का, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार राजस्थान की सरकार ने चुकना पिया और डिमांड्स लोगों दी माननियां पईयां। इट पास्ड अ लॉ ऑन द राइट टू इनफॉर्मेशन इन 2000। राजस्थान स्टेट ने 2000 ईयर दे विच राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिता। सैवरल अदर स्टेट्स आलसो पास देयर लॉज ऑन द राइट टू इनफॉर्मेशन। उस तो बाद कुछ होर स्टेट्स ने भी देख के राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट पास किया। अल्टीमेटली इन 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट आलसो पास द राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट। आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पूरे देश वास्ते राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट बना दिता 2005 ईयर दे विच। सो दिस एक्ट इज़ नाउ वैलिड इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट प्रोविजनज ऑफ द एक्ट देख लें कि मेन फीचरस की ने इस एक्ट दी। एवरी पब्लिक अथॉरिटी कंट्रोल्ड और फंडेड बाय अ गवर्नमेंट मस्ट मेनटेन इट्स रिकॉर्ड इन सच अ वे दैट रिकॉर्ड्स कैन ईजीली बी एक्सेस्ड बाय पीपल। हर एक सरकारी जिहड़ा डिपार्टमेंट है वो अपने रिकॉर्ड इस तरह के नाल रखेगा कि जदों भी लोग चाहन उसके रिकॉर्ड्स चैक कर सकन। एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट पब्लिश इनफॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ड्यूटीज इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड डिसीजनस प्लैंड एक्सपेंसिज एंड सो ऑन। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिहड़ा है, जो भी उन्हें काम किया है, जो भी उन्होंने ड्यूटीज़ ने, जो पॉलिसीज सी ने, जो साल जो जो सारे डिसीजनस ले गए उन्होंने को, जो भी इन्हों के खर्चे से इनकम से सारे कुछ का रिकॉर्ड जोड़ा है वो पब्लिश करवाएगा। और ये जरूरी होएगा कि मंगण के उपर वो सारा रिकॉर्ड जोड़ा है आम पब्लिक नूं दिखाया जाए। सो दिस कंक्लूड्स योर लैसन। थैंक यू।